बी न्यूज के खास प्रोग्राम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। आज बड़ी खबरों में होगी उन बड़ी खबरों पर नजर जिन खबरों से है आपका सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। कोरोना वायरस की वजह से हुई मौतों की वजह से उनके परिजनों को अब मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, लेकिन ये मुआवजा कितना होगा इसका फैसला खुद केंद्र सरकार करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे। हालांकि ये मुआवजा कितना होना चाहिए ये खुद केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि कोविड से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही एनडीएमए से कहा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट्स को जारी करे और जो सर्टिफिकेट्स पहले से जारी हो गए हैं उनमें सुधार किया जाए। इतना ही नहीं, फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। आइए बताते हैं आपको कि क्या थी याचिकाकर्ताओं की अपील। दरअसल इस मामले में कई याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील की गई थी कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को आपदा एक्ट के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कोविड डेथ सर्टिफिकेट्स को लेकर भी सवाल किए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकारों से जवाब तलब किया था। अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने क्या हलफनामा दिया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया था उसमें सरकार ने ऐसा करने में असमर्थता जताई थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसा करना संभव नहीं है, इसकी बजाय सरकार का फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इसके अलावा केंद्र की ओर से भी ये जानकारी दी गई थी कि 4 लाख रुपए का मुआवजा किसी आपदा में मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को दिया जा रहा है, लेकिन किसी महामारी के वक्त में ऐसा नहीं किया जा सकता। और तलब है कि भारत में कोरोना वायरस का कहर करीब पिछले 1.5 साल से जारी है, जिसके कारण देश में अब तक इस महामारी से करीब 4 लाख लोगों की जानें चली गई हैं। आपको बता दें कि इस वक्त में कोरोना की दूसरी लहर का असर कुछ हद तक कम होने लगा है, लेकिन एक्सपर्ट्स अभी भी तीसरी लहर की अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और तीसरी लहर से कम नुकसान हो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। फोन टैपिंग को लेकर राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी के बीच सियासी विवाद ने तूल पकड़ लिया है। लेकिन ताजा मामला केंद्र के मंत्री शेखावत के खिलाफ धरना प्रदर्शन को लेकर बुलाई गई भीड़ को लेकर बवाल हुआ है। दरअसल धरने में शामिल हुई भीड़ ने आरोप लगाया है कि उन्हें धरने के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि उन्हें तो कुछ और कहकर यहाँ लाया गया था। भीड़ का कहना है कि उन्हें राशन कार्ड बनवाने के लिए यहाँ लाया गया था। आपको बता दें कि फोन टैपिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत और मुख्य सचेतक महेश जोशी के समर्थकों का प्रदर्शन जारी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने शहीद स्मारक पर गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन धरने में शामिल लोगों को महेश जोशी के विधानसभा क्षेत्र हवा महल से लाया गया था। भीड़ ने कुछ देर तक तो महेश जोशी के समर्थन में और गजेंद्र सिंह के विरोध में नारेबाजी की, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही भीड़ भड़क गई और बवाल मच गया। दरअसल यहाँ आने वाली भीड़ ने कहा है कि उन्हें कुछ और बोलकर यहाँ लाया गया था। धरना कर रहे लोगों ने कहा है कि उन्हें ये कहकर लाया गया था कि उनका नाम राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना में जुड़वाया जा रहा है और महेश जोशी नाम जुड़वाने आएंगे, लेकिन यहाँ उनसे नारेबाजी करवाई जा रही है और कहा जा रहा है कि लिस्ट में नाम बाद में जोड़ा जाएगा। तो वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं का भी कहना है कि उन्हें ये कहकर यहाँ लाया गया था कि उन्हें यहाँ राशन दिया जाएगा, जिसके बाद भीड़ पे काबू हो गई और पुलिस बुलाना पड़ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन खत्म करवाया और तलब है कि आयोजकों ने इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाया है। कोविड इफेक्ट्स की लिस्ट में ब्लैक फंगस के बाद अब कोरोना मरीजों में जानलेवा रेक्टल ब्लीडिंग का खतरा भी बढ़ गया है। पिछले कुछ वक्त में राजधानी दिल्ली के 2 अस्पतालों में ही ऐसे 5 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक ही मौत भी हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक सर गंगाराम अस्पताल में इन मरीजों को कोरोना का पता चलने के 20 से 30 दिन बाद रेक्टल ब्लीडिंग की शिकायत हुई। इसमें हैरानी की बात यह है कि अब तक रेक्टल ब्लीडिंग सिर्फ कम इम्यूनिटी वाले कैंसर एड्स से पीड़ित मरीजों में देखने को मिलती थी, लेकिन अस्पताल के मुताबिक भारत में पहली बार कोविड मरीजों में रेक्टल ब्लीडिंग के सामने मामले आए हैं। गौरतलब है कि रेक्टल ब्लीडिंग
साइटोमेगालो वायरस से संबंधित है। आपको बता दें कि रेक्टल ब्लीडिंग में इन मरीजों को पेट में दर्द, मल के निर्वहन के दौरान खून आना जैसी दिक्कतें आई हैं। इस मामले में अस्पताल का मानना है कि कोविड संक्रमण और इलाज के लिए इस्तेमाल दवाएं यानी कि स्टेरॉयड इसके पीछे की मेन वजह है। इस मामले में गंगाराम स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड पैंक्रियाटिक कोबिलरी साइंसेस के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल अरोड़ा ने कहा है कि साइटोमेगालो वायरस से संबंधित ऐसे इन्फेक्शन पहले से 80-90% भारतीय जनसंख्या में मौजूद रहते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है जिसकी वजह से इसके लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी किसी वजह से कमजोर हो जाती है उनमें ऐसे लक्षण दिखने लग जाते हैं। दरअसल गंगाराम हॉस्पिटल में जो 5 मरीज भर्ती हुए उनकी उम्र 30-70 साल के बीच है और ये सभी दिल्ली NCR के हैं और इनमें से 2 को बहुत ज्यादा खून आ रहा था। इन दोनों में से एक की जान बचाने के लिए बड़ी सर्जरी करनी होगी तो वहीं दूसरे ने जान गंवा दी है और बाकी 3 का एंटीवायरल थेरेपी से सफल इलाज हो गया है। वहीं दूसरी ओर मूलचंद हॉस्पिटल में एक रेक्टल ब्लीडिंग का केस आया था। 55 साल के उस शख्स ने बताया था कि वो पिछले 3 महीनों से दिन में 4-5 ग्लास काढ़ा पी रहा था। इसके अलावा मार्च से हॉस्पिटल में कई और ऐसे केसेस आए हैं जिनको गुदा विदर और बवासीर की शिकायत हुई। गौरतलब है कि ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त जानकारी के हिसाब घरेलू नुस्खों का ओवरडोज ले रहे थे ये लोग। बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।